फ्लिप खबर विस्तार से। उत्तराखंड के जोशीमठ के हालात पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। रविवार को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में जिला प्रशासन से लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कराने के लिए कहा गया है। इधर जोशीमठ में जमीन धंसने से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट ने तैयारियां तेज कर दी है। सोमवार यानी आज एक्सपर्ट्स की एक टीम जोशीमठ जाएगी और वहां लैंडस्लाइड के कारणों का पता लगाएगी। बता दें, उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधु ने रविवार को जोशीमठ पहुंचकर भूधसाव क्षेत्रों का जायजा लिया। मीटिंग में पीएमओ के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पी के मिश्रा, कैबिनेट सेक्रेटरी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य शामिल हुए। जोशीमठ के प्रशासनिक अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। इधर राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अगर टनल बनने से यहाँ की जमीन कमजोर पड़ रही है तो इसके तत्काल इसे रोक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जोशीमठ का अस्तित्व, जीवन और वहाँ के लोगों की आजीविका खतरे में है। हम उनके साथ खड़े हैं। हम इस चुनौती में सरकार और मुख्यमंत्री के साथ हैं। पीएमओ से मीटिंग के दौरान एक्सपर्ट ने जोशीमठ में बड़े रिस्क की आशंका जाहिर की है। सुखवीर सिंह संधु ने कहा कि हमारी कोशिश है कि बिना किसी नुकसान के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक यह पता लगाने में लगे हैं कि लैंडस्लाइड को कैसे रोका जा सकता है। जल्द ही समाधान ढूंढ लिया जाएगा। इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने शुरू कर दिए गए। हालांकि अभी के हालात को देखते हुए लोगों को टेंडर जोन से निकालना ज्यादा जरूरी है। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।